अभी सबको पता चल चुका है कि आप लोगों का वनवास कब खत्म होने वाला है. यू गाइज नो द डेट, 12 जनवरी 2025 इज द डे व्हेन यू विल फाइनली ब्रीद. मतलब सांस तो आप ले रहे हो लेकिन तब आप ब्रीद करोगे विद स्पार्कल स्पार्कल, राइट? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट आर यू गोना डू नाउ, है ना? तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड उसका टाइम पीरियड क्या है, एज यू कैन सी इन द फोटो, 28 अक्टूबर 3 PM ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन टिल 18 नवंबर, ठीक है? सो दैट इज द विंडो पीरियड एंड इन बिटवीन दिस पीरियड यू नीड टू फिल योर फॉर्म. आई पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन की फॉर्म भरते कैसे, है ना? दे आर मेनी वीडियोज सो यू कैन जस्ट यू नो गूगल सॉरी यू कैन जस्ट पुट ऑन यूट्यूब हाउ टू फिल द फॉर्म, वो पूरे वीडियोज देख लो एंड देन फिल योर फॉर्म. फिर उसके बाद द थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू नीड टू कंटिन्यूसली चेक योर रजिस्टर्ड ई मेल. वाई? बिकॉज उस पर करेक्शन आता है. सो यू विल रिसीव करेक्शन ई मेल एंड गॉड फॉरबिड अगर वो आपने नहीं देखा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, है ना? सो राइट नाउ यू नीड टू बी केयरफुल आफ्टर फिलिंग द फॉर्म. कंटिन्यूसली एवरी अल्टरनेट डे हैबिट डाल लो ई मेल बार बार चेक करने की. ओके, एंड ऑल्सो चेक योर स्पैम. ओके, हाँ ठीक है. उसके बाद आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी जो कि मैंने अपलोड कर दी है, बट आई डू अंडरस्टैंड मेनी पीपल आर देर लाइक नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं आ रहा. इज इट विद एवरी वन कि दे जस्ट आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड? आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज आई वॉज इन दैट कंडीशन एंड लेट मी से दैट एवरी वन फील्स ओवरवेल्म्ड. एंड इवन आफ्टर गिविंग माई एग्जाम आई वॉज लाइक विल आई इवन पास? सो या जब तक के रिजल्ट नहीं आया you are always in that state and you are not alone. Everyone is going through the same thing. So if you feel ki you are just you know passively taking and kuch ho nahi raha hai, nothing is sticking in your head, if I ask you something ki chalo horseshoe kidney ke bare mein sab kuch bata do ya fir diphtheria ke bare mein sab kuch bata do, to you just feel overwhelmed that how do you know consolidate and stuff. So yeah, this is golden period of this I'll call it as period of consolidation. तो जैसे मैं इस फेज में थी मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करना कैसे करना. you just stick with yourself, you just stick with your own plan and you go with your gut feeling कि नहीं ठीक है ये सब वर्कआउट हो जाएगा. So you do that and if you're not you know if you don't have any gut feeling at the moment and you're just overwhelmed then take help from you know YouTubers. So I used to do that. I used to watch a lot of interview videos and then I used to also go for a lot of strategy videos. I used to listen to Preeti ma'am and you know all the sirs, and there are a few YouTubers also. I used to just watch them for motivation and I used to take a lot of motivation from YouTube. Yeah, so you guys do that, whatever makes you feel good and whatever makes you feel motivated towards study. Aise nahi ki I'll feel good when I watch movies, series, wo sab nahi. Okay, wo sab haath bhi nahi lagana. Okay, so I told very important thing. First thing, application bhar lo, uske baad get in the habit of checking your email again and again every alternate day minimum requirement. Theek hai, uske baad so I made a strategy video जिसमें मैंने 21st अक्टूबर टिल 30th नवंबर का प्लानिंग किया है. सो आई ट्राइड टू यू नो कंसोलिडेट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स एंड आई गेव दैट स्लॉट मेथड बिकॉज आई पर्सनली फॉलोड इट लेटर इन माय प्रिपरेशन, स्लॉट वाला मेथड, एंड आई लव्ड इट बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट ब्रीजी एंड यू डोंट फील ओवरवेल्म्ड एंड यू डोंट इवन फील लाइक यू स्टडीड टू मच बट you are studying too much. So that's sort of like psychological trick because you take different subjects in one day. So yeah, follow that. If you don't have any of your own plan ya fir agar aap ghar se pad rahe ho aapke paas offline coaching wagera kuch hai nahi, so matlab strategy basically aapke paas hai nahi to follow kar lo. Agar aapki khud ki strategy please stick to your own strategy then. Theek hai. फिर उसके बाद सो इवन इफ यू गाइस वांट टू फॉलो द स्ट्रैटेजी बट 21st अक्टूबर निकल चुका है सो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, स्टार्ट इट फ्रॉम 1st नवंबर आल्सो. ज़्यादा से ज़्यादा पुश क्या होगा, मैक्सिमम इट विल पुश टू 10th डिसंबर. नाउ यू गाइस नो यू हैव होल डिसंबर, यू नो पूरा रंग भूमि है आपके पास खेलने के लिए. सो यू कैन यू नो पुश इट टिल 10th डिसंबर एंड फॉलो दैट स्ट्रैटेजी. बट दिसंबर में क्या करना है आफ्टर 10th
December, what are you going to do? So from 10th December onwards, I would say study everything retrospectively. है ना, अभी what you are doing right now in like October के कुछ दिन बचे हैं, November में you'll open your notes, you'll go through all your notes and stuff. December में I would say no need for that. Everything should be retrospectively. Because you know, after giving the whole exam and analyzing my own things, कि कौन सा thing सबसे ज़्यादा help किया मुझे and stuff, now I can say that the thing that helped me the most, first thing was GT and second thing was, you know, solving question banks. I think that was the thing that helped me more than my notes, frankly speaking. यहाँ पर कुछ बना नहीं रही हूँ मैं, ठीक है, तो questions MCQ will always help you more. 10 December onwards, what I suggest is solve question banks of all the subjects. So, you know, 10 December chhod diya, BC din bache, how like one day, one question bank. I think you can do it. I think you can. But if not, I'd just say ki clinical subjects jo hai, to clinical subject ke question banks, at least do that. Of thai, ENT, surgery, medicine and your obs gyne, PSM. So minimum ye 6 subject ka kar lo, okay? These 6 subject ka question bank kar lo. You have 20 days, 6 subjects question bank, I think very doable. Then question bank ke alawa PYQs. PYQs ke liye kya hai? Solution. FMG solution. FMG solution ka PDF hai mere paas Telegram mein. If you guys don't have it, I think abhi tak to sabke paas ho gayi. But if you guys don't have it, you can take it from there. To FMG solution bhi kiya tha maine, question bank bhi kiye the, and then I used to give GT a lot. तो फ्रॉम 10th डिसम्बर स्टार्ट गिविंग जी टीज एवरी 5th डे, है ना, एवरी 5th डे यू विल गिव जी टी, यू विल गो थ्रू ऑल द 300 क्वेश्चंस, बिकॉज दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. क्योंकि मुझे लगता था जो क्वेश्चन राइट है, अगर मैंने तुक्का मारा और फिर वो राइट निकल गया एंड आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट क्वेश्चन, तो फिर यू नो मेरा लेसन लर्नड रह जाएगा. सो आई यूज टू गो थ्रू ऑल द 300 क्वेश्चंस एंड आई हाईली रिकमेंड कि जिस दिन जी टी कर रहे हो ना, GT देने के बाद यू फील सो एग्जॉस्टेड, एटलीस्ट आई यूज टू फील दैट. एंड देन GT के बाद रिव्यू एंड यू आर डन फॉर द डे, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, ठीक है. सो या अभी फॉर होल नवंबर गिव GT एवरी 7th डे, आई वुड सजेस्ट, वेल एंड गुड. देखो GT इज समथिंग जो देना ही होता है, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज मत करो. इट्स लाइक दैट, yeah, it's like that thing that you shouldn't skip, because otherwise आपको फिर regret होगा बाद में कि यार MCQ कर लेता, यार थोड़े GT और कर लेता. तो अभी आपके पास time है, अभी दिमाग में डाल लो कि GT आपको करने हैं, मतलब है, ठीक है. And try giving GTs from all the platforms, मतलब बहुत सारे free GTs available रहते हैं, मैरो पे, prep पे, cerebellum पे free GT है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं बस खुद सेरेबेलम था तो इसके लिए. बट ट्राई गिविंग जी डीज फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड यू विल गेट यूज टू एवरी थिंग. सो डू दैट. सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन इज अक्टूबर नवंबर यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. दो बार रिविजन आपका हो गया रहेगा इफ़ यू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी ऑफ माइंड. एंड देन उसके बाद डिसंबर में, 10 डिसंबर ऑनवर्ड्स, यू आर गोइंग टू जस्ट गो फॉर MCQ क्वेश्चन बैंक. MCQ, when I'm saying, I mean PYQs, question bank, and your GT. And that's it. That's it. That's really it. Now in January, what I suggest is first 5 days, you can go through your notes of all the major subjects. Just like surgery, obs gyne, medicine, PSM. If you have notes made, then go through your notes. 5 days, first 5 days. 1st January till 5th January, you can go through that. And then uske baad kya karna hai? Uske baad sirf aur sirf stick to your choti copy. And just go through all the important topics. So what I did is, as you can see this recording, I used to give a lot of GTs and I collected like 600 MCQ that I really liked. Now I realized, wow, that was really helpful. So as you guys know, I gave a lot of GTs. I don't know, I didn't really count it, but I'd say around 20 to diye honge maine. And yeah, it's beautiful, ain't it? Yeah, everything I consolidated. So you can do it. Now is the time for doing these sort of stuff, right? फिर उसके बाद ये भी देख लो, ये मेरा माइक्रो का अंकी है जो मैंने बनाया था.
As you can see in the recording, if I'm putting diphtheria or some disease or anything, I have consolidated everything regarding it in one place. And that is very, very important for you to consolidate everything. मतलब ये subject में थोड़ा बहुत है, ये disease का, ये तो सारे subject का उस disease से related जितना कुछ है वो एक जगह पे लेके आओ, है ना? So here like diphtheria है ना? तो diphtheria में क्या क्या चीज़ें होती है? Everything is there. Pseudo membrane होता है, bull's neck दिखेगा, cuneiform pattern, वो Chinese pattern है ना? फिर उसके बाद जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके नाम क्या है, बेब्स ऑन्स, वॉलिटन ग्रैन्यूल्स, बाइपोलर मेटाक्रोमेटिक, देन ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इज पॉलीमेटाफॉस्फेट, स्टेन्स फॉर ग्रैन्यूल्स, तो प्लान, वो एक निमोनिक है ना, प्लान, पॉन्डर स्टेन, लोफलर मेथिलिन ब्लू, एल्बर्ट स्टेन, एंड मोस्टली एल्बर्ट स्टेन वाला इमेज आता है ना, एंड से नीजर स्टेन. सो दैट इज योर प्लान. यू कैन यूज प्लान फॉर स्टेनिंग योर ग्रैन्यूल्स. Enriched media. Enriched media कौन सा है? Loeffler serum slope, है ना? फिर उसके बाद selective medium कौन सा है? Selective medium is your potassium telluride. That is the best, but ये बहुत ज़्यादा time लेता है. So you know, in the question if there is something like enriched media या फिर you know कम time लेने वाला media कौन सा है, so just go for Loeffler serum slope. So you need to read the question, you need to understand the question and you need to understand what they are asking. मतलब ऐसे नहीं मन से assume कर लिया कि नहीं यही पूछा होगा वगैरह, ये सब मत करना. Don't assume, read the question properly. टेस्ट फॉर टॉक्सिजेनिसिटी, सो एलिक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, मतलब मुझे देखना पड़ रहा है बिकॉज यू नो आई एम नॉट रिवाइजिंग अगैन एंड अगैन, तो अभी थोड़ी धूल पड़ गई है मेरे स्टडी पे, बट यू गाइज मस्ट नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस. सो एलिक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इज टेस्ट फॉर योर टॉक्सिजेनिसिटी. फिर उसके बाद ससेप्टेबिलिटी टेस्ट कौन सी है? शीट टेस्ट. सो एज यू कैन सी आई हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग इन वन पेज. या And I also have Anki of microbiology and patho. So if you guys wanted, I did put that in my Telegram channel. So you can just go for it because बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत से बनाया मैंने ये. So you can go for it. And you know, I can proudly say कि so many questions came from my this Anki. And Anki I prepared by watching LRR and rapid revision of Preeti Sharma ma'am. So you can just go for it. And pretty much that's it. Right now what matters is consistency. This is your golden period. This is make or break. अभी दिमाग में कुछ doubt नहीं आना चाहिए. अभी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी जीनी है वगैरह. वो सारी चिंदगिरी अभी मत करो. वो सब exam के बाद करो. ठीक है? अभी जान लगानी है and लगानी है. करना है तो करना है बस. And that's it. And you can do it. You can do it. Okay? And you are gonna do it. Okay? Bye.